नमस्कार ट्विन सिटी खबर को नहीं स्वतंत्र बुलेटिन बारवाटी धोली एक्सप्रेस को स्वागत करा प्रथम नजर पकड़ा हेडलाइंस पर राजधानी में सबु जिमा बिकिबे राज्य सरकार 20 एकर जमी में करिबे कंक्रीट जंगल एकाम्रकानन उद्यान को नहीं करिबे व्यवसाय कर्तृपक्ष उद्यान विभाग चिठी राजभवन निकट पेट्रोल पंप विस्फोरण घटना डीएनए रिपोर्ट स्पष्ट कला सीमांचल मृत्यु दुर्घटना दिन रही निखोज प्रेसमिट्रे स्पष्ट कले पुलिस कमिशनर एक वर्ष पर भी पॉलीथीन हो पारिनी घर तेज महाबात्या परठू सरी दुख राजधानी में सरकार को अवहेला सहुचंती 90 वर्षिया वृद्धा पानी हेले पर बारंडा आश्रम एथर क्लिक रे पहुंचे नंदनकानन घरे बसी नहीं पारे जीवजंतु नजारा आरंभ है स्वतंत्र वेबसाइट 7 मास बंद थी वर्चुअल टूर व्यवस्था बदलला सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा तारीख नवंबर डिसेंबर 7 को घुंचला दुईट सिटिंग रे परीक्षा देवे 1880 प्रार्थी विज्ञप्ति स्पष्ट कला ओपीएससी कोरोना बदलला परिचय कंठरे भरुले भाव कोरोना काल रे एबे अपना हाथ जगन्नाथ कंठशिल्पी साजिले डेलीवरी गर्ल राति पाहिला आसिबे गजलक्ष्मी कोरोना कटकणा भितरे हेबो मांकर आराधना राजधानी रे बिना आडंबर रे आयोजन एवं फेरीगला मौसुमी आसिला शीत राज्य में 2-3 डिग्री खसला पारद पानीपाग केन्द्र कहला आगक आहुरी बढ़ ठंडा सितुआ हो सका और संध्या बर्तमान नजर पकड़ा संपूर्ण खबर पर परिवार लोकों संदेह सत है मिलला राजभवन पेट्रोल पंप विस्फोरण घटना पर निखोज सीमांचल तथ्य आसला विस्फोरण स्थल जबत होता मांस पिंडार डीएनए रिपोर्ट सीमांचल विस्फोरण में मृत्यु होता डीएनए रिपोर्ट स्पष्ट कर पुलिस कमिश्नर सुधांशु षडंगी भुवनेश्वर पेट्रोल पंप ब्लास्ट घटन मिलला निखोज आसिला विस्फोरण स्थल जबत होता मांस पिंडुआर डीएनए रिपोर्ट राजभवन पेट्रोल पंप विस्फोरण घटना पर निखोज या गंजाम सीमांचल पैडा डीएनए बोली स्पष्ट कर पुलिस कमिश्नर सुधांशु षडंगी राजभवन छक पेट्रोल पंप रे होता विस्फोरण संक्रांत डीएनए रिपोर्ट मिली रिपोर्ट रु स्पष्ट हो घटन निरुदिष्ट सीमांचल पीड़ा विस्फोरण रे मृत्यु होई तथ्य आम परिवार वर्ग को जनई दे आईओसी कर्तृपक्ष को संक्रांत में जनई दि जाऊँगी फल परिवार वर्ग को क्षतिपूरण मिल पार यही घटन सीमांचल पीड़ा को मिसाई दुईज मृत्यु हो सारी गत अक्टोबर 7 तारीख में राजभवन पाख इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप रे भयंकर विस्फोरण घटी जो थे जड़े व्यक्ति प्राण हर सहित अनेक लोक आहत होते हैं घटना पर ठार् गंजाम जिला बालीपदर गाँव सीमांचल पैडा निखोज थे अनेक खोजाखोजी करने पत्ता मिल ना से दिन पुलिस घटनास्थल अनेक मांस पिंडुला जबत कर तेणु सीमांचल विस्फोरण में मृत्यु होता सन्देह जबत होता मांस पिंडुलार डीएनए परीक्षा पर यार रिपोर्ट आज पुलिस को हस्तगत होदिन विस्फोरण में सीमांचल मृत्यु होता कमिशनरेट पुलिस आज स्पष्ट कर इंडियन ऑयल कर्तृपक्ष को तुरंत सीमांचल पर क्षतिपूरण जगह राजभवन पेट्रोल पंप विस्फोरण में मृतकों संख्या 2 को वृद्धि पाई समग्र देश में नारी निर्यातना लांछना अत्याचार दिनकू दिन बढ़िबार लगी आज ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन पक्षर कटक जिलापा ऑफिस आगे विक्षोभ प्रदर्शन हाथरस घटन संप्रक्त थिबा सब दोषी को गिरफ करने सहित दृष्टांतमूलक दंड विधान करने को संगठन तरफ दावी हो संगठित तथा अणसंगठित क्षेत्र में कार्य कर महिला सुरक्षा प्रदान करने तथा कृषि क्षेत्र में कार्यरत महिला कृषक मान्यता देवा आदि दावी नहीं आज संगठन बहु महिला कर्मकर्ता एकत्रित नाराबाजी करने सहित जिलापा दावीपत्र प्रदान करते
ଆମର ଆଜି ହାଥରସରେ ଯେଉଁ ବଳାତ୍କାର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଦୋଷୀମାନେ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛି ଏବଂ ଆଜି ଦେଶ ସାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଶିଶୁକନ୍ୟା ମହିଳା ଛାତ୍ରୀ ଏମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ବଳାତ୍କାରର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଗଣଧର୍ଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଆ ପଛରେ ଯେଉଁ ମଦ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଅପସଂସ୍କୃତି ନଗ୍ନତାର ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ମହିଳା ଛାତ୍ରୀ ଶିଶୁକନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। नंदनकानन पर्यटकों पर खुशी खबर एथर बाघ भालु सिंह को देखापी आवाक पड़बनी नंदनकानन घरे बस उठाई पारे सब मजा कहीं सबू पशुपक्षी को देखापी प्रस्तुत होब पोर्टल अपलोड कर भिडियो देखा रिपोर्ट पर्यटकों पर खुशी खबर घरे बस देखिए नंदनकानन दृश्य वेबसाइट जारी कले नंदनकानन कर्तृपक्ष पशुप्रेमी पर्यटकों पर खुशी खबर एथर बाघ भालु और सिंह को देखापी आवाक पड़बनी नंदनकानन यह मजा घरे बस उठाइबे पर्यटक जहाँ एक वेबसाइट प्रस्तुत करिसेंती नंदनकानन कर्तृपक्ष nandankanan.org वेबसाइट को जाई घरे बस पर्यटक मैंने नंदनकानन मजा उठाई पारे यह वेबसाइट रे समस्त जीवजंतु वीडियो अपलोड करा जाई छी एने सूचना देछंती नंदनकानन कर्तृपक्ष कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखि नंदनकानन तरफ यह व्यवस्था करा जाई छी नंदनकानन रे बुलिबा द्वारा उभय पर्यटक और नंदनकानन रे थिबा विभिन्न पशुपक्षी को मध्य कोरोना संक्रमण हेबार आशंका रही छी अन्यपटे कोरोना कारण बहु दूर पर्यटक माने नंदनकानन आसीपार नहंती जहाँ नहीं व्यवस्था करा जाई छी सूचना योग्य जे महामारी कोरोना पई देख सात मास धरी बंद रही प्राणी उद्यान नंदनकानन परे गत 4 तारीख रे खोली थिला नंदनकानन पर्यटक माने काउंटर एवं ऑनलाइन रे टिकेट किनी प्राणी उद्यान रो सौंदर्य को उपभोग करछंती एथिपई स्वच्छता और सामाजिक दूरत्व को गुरुत्व दिया जाई छी ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। अनिश्चितता घेरें राज्यर सर्वपुरातन राधानाथ ट्रेनिंग कॉलेज कॉलेज भित्तिभूमि और अध्यापकों अभाव दर्शाई एनसीटीई बा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन मान्यता प्रत्याहार करने पर अनिश्चितता देखा मिली जहाँफल चलित वर्ष कौन प्रकार एडमिशन न होबार संभावना बढ़ी जहाँ को नहीं पुरातन छात्र और शिक्षाविद असंतोष जाहिर करते अपरपटे कॉलेज मान्यता फेर आने सहित पुणी थे पाठ्यक्रम चालू रही आशा रखिंट कॉलेज कर्तृपक्ष बारंबार सरकार को पाखरे पहुंची थिला दाबी दाबी रही थिला भित्तिभूमिर विकास सहित अध्यापकों संख्या वृद्धि पाई मात्र इ समस्त दाबी सत्वे मिलला नहीं कोनोसी सुफल भित्तिभूमि और अध्यापकों अभाव दर्शाई एनसीटीई अर्थात नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन मान्यता प्रत्याहार करिछि जाफळरे राज्यर सर्वपुरातन राधानाथ ट्रेनिंग कॉलेज बंद हेबाने अनिश्चितता घेरकु ठेली होई जाइछि चलित वर्ष कौनसी प्रकार एडमिशन न होबार संभावना बढ़ी जहाँ पुरातन छात्र और शिक्षाविद असंतोष जाहिर करछंती कटकटा को रुग्ण कर दियो ताले ओडिशा लोकंर भयस बंद हो तेणु कटक जो भल भल अनुष्ठान अच्छी से राधानाथ ट्रेनिंग कॉलेज हो से रेवेन्सा कॉलेज हो उठे पार्छ उठे न रुग्ण कर दियो यहाँ चक्रांत विधिवाद रही जानी क्वालिटी टीचर आसबेनि क्वालिटी टीचर न आसिले पिला भल पाठ पढ़े ये तो जातिसंघर नियम आम दाबी कर सचेतन करूँ तुम विरोध में चक्रांत होम पिला पढ़ी पारे ना जो मैंने पिला आई सारे नाती नातुणी मैंने पढ़े ना तेणु तुम्हें चक्रांत विरुद्ध सरकार विरुद्ध आंदोलन कर एवं खूब निकटने ये गोटे जन आंदोलन परिणत 1923 मसीह कटक राधानाथ ट्रेनिंग कॉलेज भाव आरंभ होता से अनुष्ठान अनेक शिक्षक प्रस्तुत होती जहाँ देश विदेश ना कर शिक्षक प्रस्तुत कारखाना बंद होने अनिश्चितता वृद्धि पाई आज दिन में यह कॉलेज रे बीईडी लगी 150 एमईडी 50 और एमफिल 12 सीट रही केवल नूतन शिक्षक नुहे कार्यरत शिक्षक मानू उपयोगी करने राधानाथ ट्रेनिंग कॉलेज भूमिका बेस गुरुत्वपूर्ण रही 27 जन अनुमोदित अध्यापकों एक कॉलेज आज मात्र रही 6 जन एवं एक द्वंद्व देखादेबा पर भी पुणी थे कॉलेज चलित बर्षर नामलेखा कार्य स्वाभाविक करने आशा बांधि बसुचंती कॉलेज कर्तृपक्ष
एपरिक सरकारी स्तर में यार प्रयास जारी रही कहते कलेज अध्यक्ष मु तो होपफुली अच्छी होपफुल अच्छे ये समस्त सब देखु बहुत गुड़ा पेपर रे सब बाहर सब आम शिक्षावित कर्नर शिक्षावितपर आम बड़ बड़ नेता मैंने भी शासक दल रेता अन्न नेता मैंने भी देखते स्टूडेंट कर्नर समस्ते भ्यू देते आते सहजरे गोटे अनुष्ठान कौन बंद हो कमी कहबी जी गोटे अनुष्ठान बंद हो बंद हबार कि ना हुए तो आम हायर एजुकेशन को आम जापरू कि आर एन आई सी रोक हुए तो आम स्कूल एंड मास रे न रही पारू कि हायर एजुकेशन आम रोबू आम चाहूचे अनुष्ठान बंच चलित शिक्षा वर्ष कॉलेज रे नामलेखा प्रक्रिया नहले गुणात्मक शिक्षक प्रस्तुति पर पुनच्छेद पड़ पारे कटक रो विश्वजीत दास रिपोर्ट अर्गस न्यूज आसवा परवर्ती खबर को आज बालेश्वर सदर पर प्रचार करछन्ते बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक तबे बालेश्वरवासीं पर नवीन निवास डिजिटल प्रचार करछन्ते बीजेडी सुप्रीमो महाबात्य को मने पकाइले मुख्यमंत्री कहले आज दिन को ओडिशावासी केबे भूली पारिबे नाही आज को 21 वर्ष तले महाबात्य होइथिला राज्यवासीं आत्मविश्वास जोगु ओडिशा आज विकास पथरे आगेछि हेले एबे बात्या मुकाबिलारे ओडिशा मॉडल होइछि लोकंक जीवन बंचाइबा आमर मुख्य लक्ष्य बन्या बात्या बेले लोकंक सुरक्षा आमर प्राथमिकता फाइलिन बेले आमे 10 लक्ष लोकंक सुरक्षित स्थान को नेइथिलु कोविड परिचालना को मध्य डब्ल्यूएचओ प्रशंसा करछि एहासो कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी बालेश्वर जाय नथिबा से कहिछन्ती जे बालेश्वर जायथिले बहुत जनसमागम होइथांता मु आपनक जीवन को विपद रे पकाइबा को चाहुनी सेथि पई कोविड काल रे मु बालेश्वर गली नाही कोविड स्थिति स्वाभाविक हेले बालेश्वर जीवी मु आपनक सहित सब बेले रहछि फकीरमोहन सेनापति मोर प्रिय लेखक रेवती गल्प मते बहुत भल लागे बालेश्वर रे विकास दायित्व मु निजे बुझिबी गुंजिला सिविल सर्विस रो मुख्य परीक्षा डिसेंबर 7 तारीख रो आरंभ हेबो परीक्षा एने ओपीएससी पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछे सूचना अनुसार डिसेंबर 7 तारीख रे ओडिया परीक्षा हेबा को थिबा बेले अपराह्न 2टा रु 5टा इंग्राजी परीक्षा हेबो सेहिपरि 8 तारीख रे जनरल स्टडीज पेपर 1 एवं 2 परीक्षा हेबो डिसेंबर 7 तारीख रे परीक्षा आरंभ होई 31 तारीख पर्यंत चलिबो परीक्षा गुंजिबाने विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा सह मेन परीक्षा रो सूची मध्य प्रकाश पाइछे ट्विन सिटी रे आकाश छुआ परिवादर क्रमगत भाव में वृद्धि पाइबा लगी प्याज दर किलो पिछा 70 टंका कलरा 70 बीन 70 बैगण 60 टंका भेंडी 60 टंका फुलकोबी 50 टंका पहुंची शीत ऋतु आरंभ में पनीपरिया अधिक अमल हुए किंतु चलित वर्ष कटक भुवनेश्वर अधिकांश पनीपरिया दाम किलो पिछा 50 टंका अधिक रही खुचरा व्यवसायी कहवा अनुजाई होलसेल व्यवसायी मैंने पनीपरिया मूल्य अस्वाभाविक भाव में वृद्धि घटाई जहाँफल खुचरा बजार पर दर अहेतुक भाव में बढ़ी चलती ये तो बढ़िया रेटा चली खाली केवल नासिक उपर से पुराणा पिज उपर निर्भर आउ नुआ पिज तक बाहर पर दीपावली पर हो तेणु से बाहर जमापड़ केत पिज से बर्तमान आंध्र ये तो नष्ट तेणु ये केते दिन 15 दिन 20 दिन आम दीपावली पर आम जाना कि पर्यटन ये भाया चलो आ गवर्नमेंटर पिज आसीगला स्थित टे सुधर आपर्त न आसी से पर्यटन आउ कड़े पिज ना गाड़ी जो भाई भाव में आसाला से आकार आसवे नहीं कितु एत दाम खाऊटी भी कम नौ बिक्री भी कम होता रही सड़जीप आसूसी कम गाड़ी आसूसी फरीदाबाद बल्लभगढ़ निकिता हत्याकांड मामला अभियुक्त गिरफ्तारी दाबी एबीवीपी और बजरंगी दल विक्षोभ राजधानी दुई संगठन पक्ष विरोध प्रदर्शन कर गत 26 तारीख में बीच रास्त निकिता दोमाल को गुड़ी कर निकिता युक्त तीन शेष वर्ष छात्री थे मुख्य अभियुक्त तेसिफ और सहयोगी रोहन प्रथम निकिता को अपहरण करने को चेष्टा करते विफल होगा गुड़ कर हत्या करते सारा देश में जो भाव विगत कि दिन धरी किसी मुष्टिमय व्यक्ति मुष्टिमय गोष्ठी जो भाव लव जिहा चल आज बल्लभगढ़ में साहसी निकितार हत्या से आज लव जिहादर पर्दाफाश हो लव जिहाद समाज में जो भाव गोटे महिला
तार स्वाधीनता को हरवाईपाई तुरंत भाव कौ भाव भाव विरुद्ध मानने काम कर जो भाव सी बाहब क्या तार स्वाधीनता हर से मना कर मर्डर कर घृण्य मानने प्रथा विरुद्ध विद्यार्थी परिषद सब तरह स्वरोत्तोलन कर विद्यार्थी परिषद महिला सशक्तिकरण दिगरे काम कर महिला निर्भय नुह निडर ही कम करने दिगरे मिशन साहस भाई कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद कर सब बड़ विषय हूँ कि पछपटे जो तथाकथित गोष्ठी अच्छी जो राजनीति दल धरा पड़ी जार रिलेटिव तफिक अच्छी जो कांग्रेस दल आज बड़ बड़ नेतृत्व मैंने आज पार्टी चुप कर बस तो विद्यार्थी परिषद प्रश्न करा चाहिए तो आपने चुप कहीं बस तो निकिता को आज सारा देश निकिता जस्टिस फॉर निकितार नारा दौर निकिता भाई समस्त जन जड़े निडर ही ढड़ा हे और राजधानी जंगल जमी उपरे सरकार लोलुप दृष्टि 20 एकर जंगल जमी नहीं कंक्रीट जंगल तैयारी करने को योजना करछन्ति सरकार भुवनेश्वर नयापल्ली रही उद्यान प्रयोग केन्द्र 25 एकर जमीर 20 एकर जमी को साधारण प्रशासन विभाग को फेराइ देबाकु मसुदा चली छोट जंगल जमीर समस्त गच्छ काटी एठारे कोठा तैयारी करने को योजना कराउथिबार अभियोग हेउछि राजधानी छाती रे जंगल हटाइबाकु चक्रांत एभली चक्रांत करुछि सरकारक उद्यान विभाग एकाम्र कानून रो 20 एकर जमी को व्यावसायिक उद्देश्य रे व्यवहार करिवे सरकार देखंतु ये हेउछि सही नोटिस उद्यान विभाग निर्देशक एही चिट्ठी लेखिछन्ते एकाम्र कानून कर्तृपक्ष को जेउतरे स्पष्ट भाबे लेखा होइछि एही जमी को सरेंडर कराजो आउ सरेंडर परे एही जमी को व्यावसायिक उद्देश्य रे व्यवहार कराजिवो बोली खुद सरकार कहउछन्ते राजधानी भुवनेश्वर हाट उपरे रहिछि नयापल्ली आईआरसी विलेज रो उद्यान प्रयोग केन्द्र जहार 25 एकर जमीर 20 एकर जमी को साधारण प्रशासन विभाग को फेराई सेठारे उच्च अट्टालिका तैयारी करबाकु चालिछि योजना गत अगस्त मासरे उद्यान विभाग निर्देशक सह निर्देशक को चिट्ठी करी जमी साधारण प्रशासन को हस्तांतर करबाकु कहिछन्ति एहि घटना पदाकु आसिबा परे एहाकु नै आरंभ होइछि विरोध हाईकोर्टे राज्य सरकार को विरोध रे पिटीशन दायर करिछन्ति स्वेच्छासेवी ए गवेषणा केन्द्र को मानने चंचकता करके हटेई देवाक चाहे कि जेहेतु प्राइम लोकेशन ए लैंड अच्छी आपको आईदर कमर्सील यूज करेंगे ना तो प्लटिंग करके सेल करेंगे तेणुक आम से कथा को विरोध करके पिटीशन फाइल कर आउ आम विभिन्न फोरम भी आम दाबी जनइबु एवं आंदोलन को ओल्लेबू जदि सरकार क्लीयर न करती जमी कौन पर जीए डिपार्टमेंट को हस्तांतर करूँ खोर्धा जिला कटक जिला दुईटी जिला अच्छी जोटि आमर जंगल बा चाषवास बहुत गुड़े कम 18% 17% जमी अच्छी जंगल अच्छी तो अन्य जिला मानक बहुत गुड़ा ये अच्छी टाउन भितर भी आमर बहुत गुड़ा स्पेस अच्छी सरकार चाहिए जो भी मार्केट कम्प्लेक्स हो किंबा बिल्डिंग हो बिक्री करने जहाँ भी करेंगे किंतु ये कल्चर रिसर्च सेंटर जोटी चाषी मैंने उपकृत होती साधारण लोक यूर जीविका जीवन जीविका पाँच जंगल विभाग अनुयायी सारा राज्य में 31% जंगल रही बेले राजधानी भुवनेश्वर रही मात्र 14% एकाम्र कानून में 20,000 बहु पुराणा गच्छ रही नयापल्ली उद्यान प्रयोग केन्द्र में रही पुराणा वृक्ष समेत बहु औषधीय गच्छलता जदि यही जमी हस्तांतर हुए 20,000 वृक्ष तो नष्ट को लोप पाई अनेक औषधीय वृक्ष जहाँ को घोर निंदा करेषविद आम भुवनेश्वर परिप्रेक्षी में जब देखा बर्तमान जो जो जगार सबुजिमा रही छोट छोट जंगल रही गछपत रही सुरक्षा प्रदान कर संरक्षण निम्ते अधिक पदक्षेप ग्रहण करार आवश्यकता रही अन्य पक्ष में आम जदि कमर्सील इनफ्रास्ट्रक्चर भित्तिमि निर्माण कार्यपाई जो सबुजिमा अच्छी नष्ट कर ध्वंस कर से जगार ये कार्यक्रम करवा निश्चित भाव में नकारात्मक पदक्षेप हम तेणु सरकार तुरंत ए प्रकार विशेषज्ञ बहरवा उचित एवं जो जगह सबुजिमा ना से जगार ये डेवलपमेंटल वर्क्स प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स किसी उचित हम 1985 मसीह एकाम्र फार्म अर्किड फार्म उद्यान विभाग पक्षर या प्रति वर्ष एठारे हेउतिबा राज्य स्तरीय मैंगो फेस्टिवल को आसिथांती मुख्यमंत्री 2012 रे एही उद्यान जातीय स्तर रे पुरस्कृत मध्य होइतिला एही परिसर बाहरे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को सरकारी बासभवन थिबारु एठारे मध्य सरकारी क्वार्टर्स तैयारी करा जाय पारे बोली आशा करा जाउछि प्रत्येक शहर रे नगर जंगल तैयारी करबाकु केन्द्र सरकार योजना करूथिबा बेले भुवनेश्वर रे कंक्रीट जंगल सृष्टि पाई चालिछि योजना
ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଛ ଲଗା ଓ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାର ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀର ଛାତିପୁର ଥିବା ଏକାମର କାନନ ଫାର୍ମରେ 20 ଏକର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ କରି ସେଠାରେ କମର୍ସିଆଲାଇଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲାଣି ଏବଂ ଏହି ଜମିକୁ ତୁରନ୍ତ ଜିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିସାରିଲାଣି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାର କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଏଠାରେ କମର୍ସିଆଲାଇଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ଏହା ପଛରେ ସରକାରଙ୍କ କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି? ପ୍ରକୃତରେ ବିକାଶ କଥା ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା ବିନାଶ ଦିଗକୁ ଏହି ରାଜଧାନୀକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ସରକାରଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ଆକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲାଣି ଏବଂ ବିରୋଧର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତେଜିଲାଣି। ତେବେ ଏଠାରେ ସରକାରଙ୍କ କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, କେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାର ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ମତ ରଖିନାହାନ୍ତି? ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟତି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାଶୁଣୀ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗୋଟିଏ ଆକ୍ଟିଭା 5G ସ୍କୁଟିକୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ହାଇବା ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ଘଟିବାର 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ଶରୀରକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଏହାସହ ସେହି ହାଇବାକୁ ଅଟକ ରଖି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଭଜନ ଗାୟିକା ସାଜିଲେ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଗର୍ଲ। ଦିନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚରେ ନିଜ ଭଜନ ଗୀତରେ ଲୋକଙ୍କ ଭକ୍ତିଭାବ ସହିତ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲେ। ଆଜିର ଦିନରେ ନିଜ ସ୍କୁଟିରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଦେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପାର୍ସଲ। ତେବେ କରୋନା ପାଇଁ ରୋଜଗାର ହରାଇବା ପରେ ଘର ପରିବାର ପେଟ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଭଜନ ଗାୟିକାରୁ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଗର୍ଲ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପାତ୍ର। ଜୀବନ ଜୀବିକା ଦିନେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନିଜର କଣ୍ଠର ଜାଦୁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲେ ଏହି ଗାୟିକା ଜଣକ। ଆଜି ସ୍ଥିତି ଏପରି ଆସିଛି, ନିଜ ଘର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ବୃତ୍ତିକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ମୂଳ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଛାଡ଼ି ବାଟ ବାଛିଛନ୍ତି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରିର। କଟକର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଗର୍ଲ ତଥା ଭଜନ ଗାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପାତ୍ର। କରୋନା ମହାମାରୀ ଅନେକ କଳାକାରଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆଣିଛି। କରୋନା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଯାହା ବି କିଛି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ରହିଥିଲା ତାହା ବି ସରିଗଲା। ତେଣୁ ନିଜର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚକୁ ଯାଇ ନିଜ ଭଜନ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ବୁଲି ପାର୍ସଲକୁ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି କରୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ପ୍ରଫେସନାଲ ମୁଁ ସିଙ୍ଗର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କରୋନା ପାଇଁକା ଆମର 8 ମାସ ହେଲା ସବୁ କଳାକାର ସମସ୍ତେ ଘରେ ବସିପଡ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଘରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଏଇ ପନ୍ଥାକୁ ଆଦରି ନେଇଛି। କେବଳ କଟକ ନୁହେଁ, କଟକ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଭଜନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଙ୍କର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ବର୍ଷ ତମାମ ଅପେକ୍ଷା ପାର୍ବଣ ଋତୁ ସମୟରେ ଫୁର୍ସତ ମିଳିନଥାଏ। କରୋନା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଦିନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ପୁରା ପରିବାର ଚାପ। ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଗର୍ଲ ଭାବରେ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଆପଣାଇ ଘର ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ସକାଳ ହେଲେ ନିଜ ଗାଡ଼ି ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି କରିବା ପାଇଁ। କଟକ ସହରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଏଭଳି କାମକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କୋଭିଡ଼ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସନାଲ ଥିଲେ ସେଥିରୁ କିଛି ରୋଜଗାର ନ ହୋଇପାରିବାକୁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ତ ବହୁତ ଭଲ ସଂସ୍ଥା, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିହେଭିଅର ବି ବହୁତ ଭଲ ନା, ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇଲେଣି ଏ କାମରେ ସେ ପ୍ରଥମ କଟକରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଭଜନ ଗାୟିକାରୁ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଗର୍ଲ ସାଜିଥିବା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଏବେ ଏହି କାମ କରି ନିଜର ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ମା ଜଗଜନନୀ। ରାତି ପାହିଲେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବେ ମା ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଧନର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ରହିଥାଏ ପରିବେଶ। ହେଲେ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ଉତ୍ସବ, କେବଳ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରାଯିବ। ବିଜୟା ଦଶମୀ ପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ମେଲାଣି ନେଇଛନ୍ତି ମା ଦଶଭୁଜା। ରାତି ପାହିଲେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବେ ମା ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ।
ଧନ ଧାନ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡ଼େ ସହର, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରି 4 ଫୁଟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା। 4 ଜଣ ସେବାୟତଙ୍କୁ ନେଇ କରାଯିବ ପୂଜା। ଅନ୍ୟପଟେ କୌଣସି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ତିଆରି ହେଉନାହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି। ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉତ୍ସବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଉନ୍ମାଦନା ନାହିଁ ଆୟୋଜକଙ୍କ ମନରେ। କଟକଣା ଭିତରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେଥିରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବି ସେମିତି ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ହେଇନି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମର ପୂଜା ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୂଜା, ସବୁ ବର୍ଷ ତିଆରି କରୁ। କରୋନା ପାଇଁ ସେମିତି ଜାକଜମରେ ପୂଜା କରିବୁନି, ଆଉ ତ କିଣିକି ନେଇ କରିଦେବୁ, ମାନେ ଭଲସେ କରିବୁ, ଇଏ କରିକି କରିବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସବୁ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବସାୟ ଠପ୍ ଭଳି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ବି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର କାରବାର ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପୂଜାରେ ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଖାରିଛି। କରୋନା କଟକଣା ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଆମେ ଯେଉଁଟା 3 ମାସରେ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ, ଏ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲା ହବ ନ ହବ ହେଇକିରି ଆମକୁ ମିଳିଲା ମାସ ଭିତରେ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିଲା। ମାସ ଭିତରେ ସେଟ୍ କରିପାରୁନି ସବୁ ଜିନିଷ, ତାକୁ ସେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବି ଯେମିତି ଯେଉଁଠି କରିକି କରିଦେଇଛୁ ବର୍ଷ। ସବୁ ପୂଜା ଭଳି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ବିନା ବାଜା ବିନା ଆଲୋକସଜ୍ଜାରେ ରାଜଧାନୀରେ ହେବ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆବାହନ। ଆଉ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ନଜରପକାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 93 ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 21 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ 62 ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ମିଶାଇ 28,985 ପହଞ୍ଚିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ। ଅପରପକ୍ଷେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 254 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 1,722 ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 27,080 ଜଣ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା 162 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଫେରିଲା ମୌସୁମୀ, ଆସିଲା ଶୀତ। ରାଜ୍ୟ ସହ ପୂରା ଦେଶରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦାୟ ନେଇଛି। ଏଥିସହ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଶୀତ ଟିକେ ଟିକେ ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି। ଆଗକୁ ଶୀତ ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଏଥର ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 4% ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 99% ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଜୁନ୍ 1 ଅକ୍ଟୋବର 27 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 1,302.9 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଗଲା 2-3 ଦିନ ମେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ କୁଛ କୁଛ ଚାର କମି ବିଲ ନର୍ମାଲ ରହେଗା ଆର୍ ବାକି ଜାଗା ମେ ନିଆର ନର୍ମାଲ ରହେଗା ବଟ୍ ନର୍ମାଲ ସେ ଥୋଡ଼ା ସା ନିଚେ ରହେଗା ଜ୍ୟାଦା ଚେଞ୍ଜେସ ଟେମ୍ପରେଚର କା ନେଇ ହୋଗା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣ୍ଡ କଟକ ଦୋନୋ ସିଟି ଏରିଆ ମେ ଡ୍ରାଏ ୱେଦର ହି ରହେଗା ଅଗଲା 3-4 ଦିନ ତକ। ଇସମେ ମିନିମମ ଟେମ୍ପରେଚର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ସିଟି କା ମେ 19 କା ଆସପାସ ରହେଗା ଅଗଲା 2-3 ଦିନ ତକ। ବୁଲେଟିନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଛି। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ଅର୍ଗସ.net। ନମସ୍କାର।